हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अखिल। आज हम आए हैं सेवाग्राम आश्रम में, जहाँ पर गांधी जी 1936 से टिल हिज डेथ 1948 तक रहे। यह आश्रम वर्धा से 8 किलोमीटर की दूरी पर है और नागपुर से 75 किलोमीटर दूर है। सो इस आश्रम को एक्सप्लोर करते हैं, लेट्स गो। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई नागपुर से। नागपुर से सेवाग्राम मैंने बाय ट्रेन ट्रैवल किया। 1930 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से पदयात्रा शुरू करी, जिसे हम नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। उस सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने निर्णय लिया कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होता, तब तक वो साबरमती आश्रम नहीं लौटेंगे। इसीलिए गांधी जी ने वर्धा, जो कि भारत का जियोग्राफिकल सेंटर है, वहां पर अपने सभी कार्य के संचालन के लिए एक मुख्य कार्यालय शुरू करने का सोचा। और इसीलिए 1936 में गांधी जी ने अपने कुछ फॉलोअर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट जमनालाल बजाज की मदद से सेवाग्राम आश्रम शुरू किया। ये बापू कुटी है, यहाँ बापू रहते थे और उनके द्वारा इस्तेमाल की गई सारी चीज़ें अभी भी वहाँ पर प्रिजर्व्ड है। ये बा कुटी है, बा यानी कस्तूरबा गांधी। तराजू है जहां पर गांधी जी अपना वजन मेजर किया करते थे। इस पुस्तक संग्रहालय में आपको गांधी जी द्वारा लिखी गई सारी बुक अभी भी उसी कंडीशन में मिलेंगी। ये उस समय के टाइपराइटर है, इस पर गांधी जी के मंत्री या आप कह सकते हो सचिव काम किया करते थे। ये गांधी जी द्वारा बनाया गया सांप पकड़ने का एक पिंजरा है। ये बापू का भोजन ग्रह है। बापू अपने पढ़ने लिखने के सारे व्यवहार इसी ऑफिस से करते थे और 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट यहीं पे शुरू हुआ था। यहाँ पर आपको गांधी जी के निवास स्थान के अलावा स्वराज प्रदर्शनी भी देखने मिलेगी। यहाँ पर आश्रम द्वारा अभी भी गाय पाली जाती है, खेती की जाती है और गांधी जी जो हमेशा कहते थे कि खादी के कपड़े पहनो, उन्हीं के प्रिंसिपल्स पर यहाँ पे अभी भी खादी के कपड़ों का निर्माण किया जाता है। अगर आप इंडिया की हिस्ट्री को फील करना चाहते हो तो इस आश्रम में ज़रूर विजिट करें। अगर आप इस आश्रम में विजिट करते हो या ऑलरेडी विजिट कर चुके हो तो इस आश्रम की मेमोरीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।